है गाइस, जैसा कि अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्रैश कोर्स फॉर द ICMR GRF, दिस इज़ द पार्ट वन। ये है पार्ट वन, विनर्स आर नॉट पीपल्स हु नेवर फेल बट द पीपल्स हु नेवर क्विट। यानी कि आप जुड़े हुए हैं ई लर्नम के साथ, दैट इज़ फॉर्मरली नोन एज स्मार्ट लर्निंग अकेडमी। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, लर्न करेंगे, मेरे जो कोर्सेज होंगे आपके चलते रहेंगे। लेट मी रिमाइंड यू, दिस इज़ अ क्रैश कोर्स, यानी क्रैश कोर्स में चीज़ें थोड़ी सी फास्ट और थोड़ा सा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग इट इज़ अ होल डिटेल कोर्स, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो क्रैश कोर्स जो होते हैं एक रिवीजन कोर्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करते हुए आगे हम चलते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पे लर्न करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे क्या क्या वो चीज़ें हैं, कैसे कैसे आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए इस वीडियो को। सो पहला टॉपिक जो हम बात करेंगे, दैट इज़ मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं तो कोई भी सॉल्यूशन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, एक होता है ग्राम इक्विवेलेंट और दूसरा होता है मोल। ग्राम इक्विवेलेंट और मोल जो होते हैं ये आपके इंपॉर्टेंट रोल जो होते हैं वो प्ले करते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट को हम बोलते हैं कोई भी, इट इज़ मॉलिकुलर वेट, ये जो होता है मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई वैलेंसी, चार्ज, एसिडिटी या बेसिसिटी। किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल कंपाउंड का अगर ग्राम इक्विवेलेंट आपको कैलकुलेट करना हो तो उसका मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, चार्ज, एसिडिटी या बेसिसिटी पे हम जा सकते हैं। इसके अलावा मोल कैलकुलेट करना हो तो दिस इज वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, ये होता है आपका क्या, मोल। एंड अगर वॉल्यूम दिया हो आपके पास तो ये हो जाता है वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाई 22.4। अगर आपके पास नंबर ऑफ या नंबर और अमाउंट दिया हो सो इट शुड बी लाइक नंबर डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर, नंबर डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर चलेगा। मोल जो है अगर हम बात करें तो मोल आपका कैलकुलेट किया जा सकता है एक और मेथड से, कि अगर यहाँ पे आपको ग्राम इक्विवेलेंट वेट यूज़ करना है तो। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड यर कि दिस इज ग्राम इक्विवेलेंट वेट के केसेस में आप क्या करते हैं कि इन द केस ऑफ नॉर्मल टी मोल, अगर आपके पास जैसे वेट दिया है, आपके पास वॉल्यूम है, आपके पास अमाउंट है, अगर आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट वेट है तो क्या करोगे, तब आप करोगे इसको ऐसे कैलकुलेट करोगे दैट अगर मोल को हम ग्राम इक्विवेलेंट दिया हो तो दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला विल बी दैट वेट, ये जो हो जाएगा नीचे वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, ये जो है मॉलिकुलर वेट आता था, लेकिन अब इस मॉलिकुलर वेट की जगह क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। इसकी जगह क्या हो जाएगा, दिस शुड बी लाइक ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ये जो है ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना बस यही अंतर होने वाला है और ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होने वाला है। अगर आपका ग्राम इक्विवेलेंट वेट यूज़ करना है तो ये जो हो जाएगा आपका, इस वाले मोल के फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वेट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट हो सकता है। और ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई वैलेंसी, चार्ज, एसिडिटी और बेसिसिटी। फॉर एग्जाम्पल ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर कि इफ़ इट इज़ लाइक H2SO4, H2SO4 की बेसिसिटी, क्योंकि ये एसिड है तो एसिड का हमेशा बेसिसिटी होता है, तो ये जो होता है ये दो प्रोटॉन को डोनेट करता है, तो इसका बेसिसिटी हो गया कितना, इसकी बेसिसिटी हो गई आपकी 2। जब बेसिसिटी हो गई 2 तो व्हाट शुड बी ग्राम इक्विवेलेंट, क्योंकि इसका मॉलिकुलर वेट होता है 98 डिवाइडेड बाई 2, तो दैट शुड बी 49, ये हो गया इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ये क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द सॉल्यूशन में ग्राम इक्विवेलेंट वेट है यूज़ करना है या नॉर्मल मोल यूज़ करना है, तो यहाँ पे उल्टा लिख गया है, ध्यान देने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे क्या हो जा रहा था, जो मैंने आपको बताया था कि इन पर्टिकुलर केसेस में लाइक मोल जब दिया है तो आप उससे मोलैरिटी या मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हो, एंड ग्राम इक्विवेलेंट वेट दिया है तो आप उससे नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज़ द केस जो आपका यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है कि मोलैरिटी और मोलैलिटी मोल से कैलकुलेट होता है, ग्राम इक्विवेलेंट से। इस तरीके से मोलैरिटी, एज यू नो दैट दिस इज मोल, ये जो होता है कि मोल होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है इन लीटर, ये होता है लीटर में। व्हेन यू टॉक अबाउट मोलैलिटी तो ये जो होता है मोल ऑफ सॉल्यूट, आपके सॉल्यूट का मोल, एंड दिस इज लाइक दैट केजी या वेट ऑफ सॉल्यूशन।
ये जो हो जाता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाता है इन केजी। दिस इज मोलैलिटी। एंड नॉर्मेलिटी समथिंग जो कि आपका वेट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, दिस इज द नॉर्मेलिटी। ये जो होता है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो जाता है। तो दिस इज मोल कॉन्सेप्ट जिस पे कई सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। मोलैरिटी जैसा आपको बताया गया, नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम जो होता है वो लीटर में आता है। मोलैलिटी इज मोल ऑफ द सॉल्यूट, वेट ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट नॉट सॉल्वेंट हो जाएगा, वेट ऑफ द सॉल्वेंट, वेट ऑफ द सॉल्वेंट जो होता है ये आपका इन्वॉल्व होता है किसके लिए, केजी में। एंड नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट वेट, दैट वेट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। मोल फ्रैक्शंस के ऊपर जब हम बात करते हैं तो लेट्स टॉक अबाउट मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशंस, दैट इज अगर किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी पर्टिकुलर कंपोनेंट, मान लीजिए यहाँ पे ए पाया जा रहा है और बी पाया जा रहा है, तो एन का ए का मोल एन ए, बी का मोल एन बी है, तो फ्रैक्शन जीटा ए दैट इज यहाँ पे हो जाएगा एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। एंड जीटा बी जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दैट एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, यानी टोटल वन। तो मोल कितना है एन का, ए का, और उसके बाद टोटल से डिवाइड कर देंगे, दैट शुड बी द मोल फ्रैक्शन। इसका कितना मोल है ए का डिवाइडेड बाई टोटल, दैट ए प्लस बी, क्योंकि एन ए इज मोल ऑफ ए, एन बी इज द मोल ऑफ बी, टोटल जो हो जाएगा वो एन ए प्लस एन बी ही होगा। और इसमें जिसका पूछा जा रहा है उसको ऊपर रख दो और इस टोटल को नीचे कर दो। सो दिस इज वेरी सिंपल फॉर द मोल फ्रैक्शन। इस तरीके से चीज़ों को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो मोल से रिलेटेड कई अलग अलग क्वेश्चन आते रहते हैं जो आपसे पूछा जाता है, हाउ यू कैन कैलकुलेट इफ यू टॉक अबाउट लाइक की, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बताने की कोशिश करूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 20 ग्राम ऑफ एन ए ओ एच का मोलैरिटी बताइए या नॉर्मेलिटी बताइए, तो देखने की कोशिश करिएगा कि ये केस क्या हो रहा है। ये पूरा का पूरा किस्सा यही है, जैसे 20 ग्राम का है इन 500 ml वाटर, ठीक है, 500 ml वाटर क्या होना चाहिए। देखिए आपको पहले करना है दिस इज़ लाइक वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए जैसा आपको बताया गया। तो 500 ml को लीटर में करोगे तो दिस इज 0.5 लीटर। इसके बाद मोल कैलकुलेट करिए, मोल किस में होगा, मोल होगा वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, मोल जो हो जाएगा मोल अपॉन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, वेट है 20 ग्राम। एंड अगर एन ओ एच को करोगे तो 23 और 16 लगभग लगभग ये 40 के बराबर हो जाता है, तो दिस इज़ लाइक 0.5 मोल, ये जो है 0.5 मोल। व्हेन यू टॉक अबाउट मोलैरिटी, अगर आपको मोलैरिटी जानना है तो दिस इज समथिंग जो आपका 0.5 मोल, क्योंकि मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर 0.5 लीटर, मोल अपॉन लीटर ये हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी कि ये जो है 1 मोलर आ गया, दिस मोलैरिटी इज 1 मोलर। नाउ इसके अलावा अब हो जाता है, देखने की कोशिश करिएगा, मोलैरिटी जो होता है, लेट मी टेल यू वन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हियर, दैट इज नॉर्मेलिटी के केसेस में जब हम बात करेंगे, सो दिस इज लाइक नॉर्मेलिटी, ठीक है। नॉर्मेलिटी अगर पूछ दिया गया तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी जो होता है मोलैरिटी इंटू एसिडिटी और बेसिसिटी और वैलेंसी, ठीक है। एसिडिटी बेसिसिटी जो होते हैं वो आपके मल्टीप्लाई कर दीजिए मोलैरिटी कैलकुलेट करके, ज़्यादा कुछ इक्विवेलेंट का पंगा भी परेशान नहीं होना। जस्ट फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर एन ए ओ एच अगर आप बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर केस में क्या आ जाता है, एन ए ओ एच, अगर एन ए ओ एच के ऊपर बात करें तो एन ए से ओ एच जो है ओ एक ही निकलता है, एक ही चार्ज है, एक चार्ज है, वन चार्ज है। इफ इट इज़ लाइक वन चार्ज तो दिस शुड बी लाइक वन बेसिसिटी, सॉरी वन एसिडिटी, क्योंकि बेस है तो ये जो हो जाएगा एसिडिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मोलरिटी कितनी थी, वन थी, इसकी एसिडिटी या चार्ज कितना था, वन था, सो दिस शुड बी इक्वल टू द वन नॉर्मल ऑल्सो, ये जो है वन नॉर्मल की बराबर भी हो जाएगा। इसी तरीके से आपके दूसरे एग्जाम्पल्स में भी चीज़ों को कर सकते हैं। अगर मोलरिटी दी हुई हो तो वेट कैसे कैलकुलेट करना है, ये भी बहुत सीधा सा पंगा है, ठीक है, ध्यान देने की कोशिश करिएगा। ये तो था आपको जब वेट दिया हो तो मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर नॉर्मली बात करता हूँ कि आपको क्या होगा कि ये क्वेश्चन आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये भी प्रैक्टिस करा देता हूँ, जब आपको मोलैरिटी गिवन हो,
लाइक व्हेन यू हैव द मोलरिटी गिवेन और आपसे वेट पूछ दिया जाए, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी का रिलेशन मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर मोलरिटी गिवेन हो तो हाउ विल मूव, कैसे आप मूव करोगे, तो इट्स वेरी सिंपल थिंग कि फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा मैं फॉर्मूला पहले रिफाइन कर दे रहा हूँ फिर एग्जाम्पल पर चलूँगा। दिस इज लाइक मोलरिटी, मोलरिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ये वॉल्यूम को पहले इधर मल्टीप्लाई करो, तो दिस शुड बी रिटन एज वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, मैं थोड़ा सा ये हो जाएगा मोलैरिटी, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये मोलिकुलर वेट को भी इधर कर दो, सो दिस वेट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट, ठीक है, मोलिकुलर वेट इनटू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वेट, ये उसी तरीके से फॉर्मूला जो है निकाला गया है वेट के लिए। सो यू कैन सॉल्व इट, इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप आसानी से ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। हाउ, फॉर एग्जाम्पल देखने की कोशिश करिएगा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये बात करता हूँ कि हियर 0.5 मोलर H2SO4, 0.5 मोलर जो है H2SO4 का, आप बताइए क्या वेट होगा इन 1 लीटर, 1 लीटर में व्हाट शुड बी द वेट हियर। तो अगेन यू नीड, वेट का मतलब है मॉलिकुलर वेट कितना होता है इसका, इसका मॉलिकुलर वेट होता है 98, और मोलरिटी कितनी दी हुई है 0.5 दी है, वॉल्यूम कितना लीटर है 1 लीटर है, जस्ट पुट इट, दिस शुड बी इक्वल टू द 49 ग्राम, वेरी इजली, ठीक है। अगर यहीं पे मोलरिटी की जगह नॉर्मेलिटी दे देता, तो अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में मैं ये लिख दिया कि 0.5 नॉर्मल H2SO4 इन 500 ml, इसका वेट क्या होगा, तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है कि पहले आप इस तरीके से आइडेंटिफाई करिए कि आपका केस क्या बन रहा है, कि 500 ml से तो इसको हम बोल सकते हैं 0.5 लीटर। अब ये अगर जितना भी है नॉर्मलिटी, मोलरिटी में एसिडिटी और बेसिसिटी, ये वाला फॉर्मूला याद है जो आपको बताया था यहाँ पे, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू द चार्ज, चार्ज कितने हैं 2 है, 2H+ है, तो दिस इज लाइक डिवाइड करिएगा तो मोलरिटी विल बी एन अपॉन चार्ज, यानी यहाँ पे यूज करोगे तो 0.5/2, यानी मोलरिटी जो हो जाएगा 0.25 मोलर। तो ये तो 0.5 नॉर्मल होगा तो 0.25 मोलर हो जाएगा, जो भी दो चार्ज है यहाँ पे। इसलिए अब मोलरिटी पता चल गई, आपको लीटर पता चल गया, और बस आपको मॉलिकुलर वेट पता ही 98, पुट कर दीजिए फॉर्मूला, वेट शुड बी लाइक 0.5 × 98 × 0. ये लीटर का था, ये जो था आपका 0.25 मोलर। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ऑलमोस्ट 1/8, यानी 8 से इसको अगर डिवाइड करेंगे, 8, 8, 8, 1 एंड 1, 0, ठीक है, 10 बार, उसके बाद 10.6, करीब करीब इतने ग्राम आ जाएंगे। सो यू कैन सॉल्व इट, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो इसको। सो ये क्वेश्चंस इस तरीके से मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आ जाते हैं, जो कि आपने देखा था। इसके अलावा अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि प्रोटीन, एनर्जी, मोल, न्यूट्रिशंस के ऊपर बात करते हैं। देयर इज डिफरेंट डिफरेंट लाइक केसेस, इसमें दो चीज़ें होती हैं, कावासिकोरकर एंड मैरिस्मस। अगर मार्जिनल एनर्जी बट सफिशियंट प्रोटीन है आपके पास, इनटेक है, द डिजीज़ दैट फर्स्ट चाइल्ड गेट्स व्हेन द न्यू चाइल्ड कम्स, यहाँ पे क्या हो जाता है कि ज़्यादा, अगर कावासिकोरकर का मतलब हो जाता है योर लाइक कि आप नॉर्मली ज़्यादा जो कहते हैं कि प्रोटीन इनटेक सफिशियंट, दैट मार्जिनल एनर्जी बट इनसफिशियंट प्रोटीन इनटेक है, दैट इज़ एनर्जी जो है मार्जिनल है लेकिन प्रोटीन इनसफिशियंट इनटेक है, दैट इज़ लाइक ये कावासिकोरकर की तरफ जाएगा। अगर इनसफिशियंट प्रोटीन और एनर्जी इनटेक दोनों है, एनर्जी भी कम है, प्रोटीन इंटेक भी कम है, दैट टू वेस्ट अवे और डाइंग अवे मैरिस्मस की तरफ चला जाएगा, प्रोटीन एनर्जी न्यूट्रिशन के ऊपर जब हम बात करते हैं तो, ठीक है। सो ये जो होते हैं अलग अलग प्रोटीन के केसेस में हो जाते हैं। देयर आर सम डिसऑर्डर्स विद द विटामिंस, विटामिन के केसेस में अगर विटामिन ए है तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। व्हेन यू लाइक सी हियर कि विटामिन ए के केस में क्या हो जाता है कि नाइट ब्लाइंडनेस इज लाइक इन द केस ऑफ विटामिन ए, अगर ए है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, अगर बी1 है तो बेरी बेरी हो जाएगा, बी बी बेरी
बेरी बेरी, B3 पैलेग्रा, पैलेग्रा हो जाएगा दैट सिम्टम्स जैसे डिमेंशिया, डायरिया एंड डर्मेटाइटिस ये सारे होते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट B5 दैट स्किन डिसऑर्डर, ठीक है, स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं B12 परनीसियस एनीमिया, एंड C स्कर्वी, D रिकेट्सिया एंड E फॉर द हीमोराइज, दीज आर फॉर द वेरियस विटामिन डिजीजेस। हीमोराइज में क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो होता है अफेक्ट हो जाता है, रिकेट्सिया में वीक बोन्स होते हैं, डिकेइंग टीथ्स हो जाते हैं, स्कर्वी में ब्लीडिंग गम्स या स्वेलिंग ज्वाइंट्स हो जाते हैं, एंड आपके परनीसियस एनीमिया में जो होते हैं कि नर्व पैरालिसिस या डिमेंशिया और डिप्रेशन में चीज़ें चली जाती है। तो दीज आर द सम डिजीजेस जो कि अलग अलग केसेस पे होते हैं। लेट मी टेल यू वंस अगेन, A फॉर नाइट ब्लाइंडनेस, B1 फॉर बेरी बेरी, B3 फॉर पैलेग्रा, B5 फॉर स्किन डिसऑर्डर्स, B12 फॉर परनीसियस एनीमिया, C फॉर स्कर्वी एंड D फॉर रिकेट्स एंड E फॉर द हीमोरेज, ये अलग अलग केसेस जो होते हैं वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। नाउ देयर आर सम नेशनल डेज, अलग अलग नेशनल डेज जो होते हैं पाए जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो एंटी लेप्रोसी डे 31 जनवरी को पाया जाता है। एंटी लेप्रोसी डे जो सारे के सारे डेज या ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो जो खासकर मेडिकल फील्ड के उनको ध्यान रखे रहेगा, 31 जनवरी एंटी लेप्रोसी डे। कैंसर डे 4 फरवरी, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को पाया जाता है। इसके बाद नेशनल सेफ्टी डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे, वर्ल्ड किडनी डे जो पाया जा रहा है 12 मार्च को पाया जा रहा है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, फॉरेस्ट्री डे, डिसेबल्स डे, मेट्रोलॉजिकल्स डे, वर्ल्ड वाटर डे 23 मार्च को होता है, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस दैट इज आपके 24 मार्च को पाया जाता है। अप्रैल के ऊपर बात करते हैं, इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल से, वर्ल्ड हेल्थ डे दैट 7 अप्रैल को पाया जाता है, पार्किंसंस 11th, सेफ मदरहुड डे, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को पाया जा रहा है, हेरिटेज डे एंड आर्थ डे जो होता है वो 22 अप्रैल को पाया जाता है। इसके अलावा वर्ल्ड एजमा डे दैट इज़ फॉर द 5th मई, थैलेसीमिया 8 मई, इंटरनेशनल नर्सेस डे 12th, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 19 मई, एंड आफ्टर दैट एंटी टोबैको डे 31st, एंड जून में जो पाया जाता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून, ब्लड डोनर 14 जून, वर्ल्ड डे फॉर द कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशंस एंड ड्रॉट, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द ड्रग अब्यूज एंड इलीगल ट्रैफिकिंग्स, डॉक्टर्स डे ऑन द 1st, वर्ल्ड पॉपुलेशंस डे जो पाया जाता है 11 जुलाई, से ब्रेस्ट वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे 1 to 7 अगस्त, इंटरनेशनल यूथ डे जो पाया जाता है आपके 12 अगस्त के लिए होता है, नेशनल यूथ डे आपके जनवरी में इंटरनेशनल यहाँ पे है, 15th को इंडिपेंडेंस डे है एज यू नो दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट दिस आर सेप्टेम्बर्स इन नेशनल न्यूट्रिशन वीक्स, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, वर्ल्ड फार्मेसी वीक, लिटरेसी डे, ओजोन डे दिस सेप्टेम्बर 16, वर्ल्ड ओजोन डे, इम्यूनाइजेशन डे 10 नवंबर, ठीक है 10 नवंबर को है, अल्जाइमर्स डे, चिल्ड्रेंस डे एंड इंटरनेशनल डे फॉर अगेंस्ट वुमेन, 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे, अक्टूबर में बहुत सारे डेज होते हैं, हैबिटेड एनिमल वेलफेयर, मेंटल हेल्थ, अर्थराइटिस, ओबेसिटी, एनेस्थीसिया, फूड डे एंड मलेरिया, नेट डिफिसिट, आयोडीन डिफिशेंसी डिसऑर्डर्स, यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे। सो दीज आर द केसेज जो आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें दैट इज लाइक हियर इन दिस केस ऑफ 11 अक्टूबर मेंटल हेल्थ डे यहाँ पे पाया जा रहा है, एंड वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर। सो दीज आर द डेज, कुछ कुछ डेज आपको ध्यान रखने हैं, खासकर लेप्रोसी जनवरी में पाया जा रहा है, ठीक है, तो जनवरी में जो है लेप्रोसी था, फरवरी में कैंसर डे आपके पाए जाते थे, किडनी या ट्यूबरकुलोसिस डे जो हैं वो आपके मार्च में हैं, हेल्थ डे, हीमोफीलिया डे जो थे वो आपके अप्रैल में पाए जा रहे थे, एंड मई में जो है हेपेटाइटिस, आजमा डे थे, ठीक है, एजमा, अस्थमा जिसको बोलते हैं, नॉर्मली हिंदी में अस्थमा बोलते हैं, इंग्लिश में एजमा बोलते हैं, ठीक है, तो टोबैको डेज इज देयर, एंटी टोबैको डेज इज, वर्ल्ड एनवायरमेंट 5 जून, डॉक्टर्स डे 1 जुलाई, वर्ल्ड ओजोन 16 सितंबर, इम्यूनाइजेशन डे 10 नवंबर, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर एंड अक्टूबर, मेंटल हेल्थ डे एंड 16 को वर्ल्ड फूड डे पे आ जा रहा है। इसके बाद कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं जो आपके WHO रिकॉग्नाइज करते हैं या वो बताते हैं, फॉर दिस इज WHO स्टैंडर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर बात करते हैं, SOX ये जो है एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पाए जाते हैं, 0.02, 0.04 फॉर द NOx, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए 10 mg/m³ है, ओजोन के लिए 0.1 है। इसके बाद पर्टिकुलेट मैटर्स के लिए जलनी 0.01, आपके 2
0.5, पर्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड 10 के लिए वो जो होते हैं 0.2। ये पर्टिकुलेट मैटर के साइज़ क्या हैं, mg, 1 mg, 2.5 mg, 5 mg, तो उस रेंज में होते हैं ये फाइव जो आपके पाए जाते हैं। टेम्परेचर के लिए कोई नहीं था, नॉइज के लिए 85 डेसिबल जो था ये आपके पाए जा रहे थे। दीज आर द थिंग्स जो आप अगर ध्यान देंगे तो ज़्यादातर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में एक्सेप्ट कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादातर स्टैंडर्ड्स जो हैं 0.01 या 0.02 के आसपास है। कितने में यूनिट ध्यान रखना, mg पर मीटर क्यूब, दिस इज़ द यूनिट mg पर मीटर क्यूब। अगर आप इसको चीज़ों को चेंज करोगे माइक्रोग्राम में चले जाओगे तो वैल्यू 10-20 के आसपास आ जाएंगी, ठीक है। तो इसमें 1000-1000 का मल्टीप्लाई, अगर यूनिट चेंज कर दिया आपने ये यूनिट अगर माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब पे चले गए तो दिस विल बैक 10-20 जो होंगे वो मेज़र आ जाएंगे। तो यूनिट का ध्यान रखना कि यूनिट एग्जैक्टली क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की क्या है, WHO क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो कार्बन मोनोऑक्साइड 10 के आसपास है, उसके बाद बाकी जो हैं वो 0.012 एंड नॉइज डेसिबल्स के आसपास 85 डेसिबल्स जो होते हैं ये आपके लिमिट है कि भैया एक स्टैंडर्ड इतना होना चाहिए, लेकिन अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो देयर इज नॉइज पॉल्यूशंस। इसके बाद वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें आपके कुछ स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं WHO द्वारा। तो हाईलाइट्स, दिस इज लाइक ड्रिंकिंग वाटर, व्हेन यू सी दैट दिस इज ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी। ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी के ऊपर जब हम बात करेंगे सो इम्पैक्ट आर्सेनिक का 10 माइक्रोग्राम पर लीटर, बेरियम 10 एंड बोरॉन 24 माइक्रोग्राम पर लीटर चाहिए। इसके अलावा pH शुड बी लाइक 6.9 to 9.2, उसके बाद TDS इतने आसपास होने चाहिए, EC 300 मिनिमम जो होते हैं वो ड्रिंकिंग वाटर के होते हैं तो इतना आपका होना चाहिए EC एंड क्लोराइड, सल्फेट्स, नाइट्रेट, फ्लोराइड एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, that these are the different limits। अगर ये जो है आपके lower standard quality standard की बात करते हैं, इससे ज़्यादा generally होता है तो ये माना जाता है कि वह quality धीरे धीरे degrade हो रही है, ज़्यादा चलती चली जा रही है। तो these are the quality standards for these things। नोबेल प्राइज़ फॉर द 2020 में भी इस बार पूछा जा सकता है, क्योंकि इसी बार नोबेल प्राइज़ जो है मिला है और ICMR GRF के चांसेस है बेटा उठाएगा जनरल साइंस में इन क्वेश्चंस को। जो हार्वे थे DRS हार्वे जिनको मिला था फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, DRS हार्वे जे अल्टर जिन्होंने काम किया था डिस्कवरी ऑफ द हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए इनको मिला है नोबेल प्राइज़ 2020 इन द फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए इनको मिला था अल्टर एंड हॉकटन के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो पेनरोज एंड गेंजल फॉर द फिजिक्स, इनको फिजिक्स में ब्लैक होल के लिए मिला है इंप्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स इंक्लूडिंग द वर्क ऑन ब्लैक होल, ब्लैक होल पे काम करने के लिए। इसके बाद केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज मिला है वो मिला है आपके कारपेंटियर एंड उसके बाद दैट डाउडना के दो लोगों को मिला है फॉर दिस क्रिस्पर कैस नाइन के लिए मिला है, जो कि एक मेथड ऑफ जीनोम एडिटिंग है उसके लिए पाया जाता है। तो ये आपके तीनों कम से कम ध्यान रखना, इनमें से मे भी पूछा जा सकता है कि 2020 का कौन था नोबेल प्राइज, चाहे फिजिक्स का पूछ दिया या उन्होंने फिजियोलॉजी और मेडिसिन का पूछा या केमिस्ट्री का पूछा, तो यू हैव टू नो एग्जैक्टली क्या होना चाहिए था, ठीक है। इसके अलावा देयर आर सम इंस्ट्रूमेंट, कई अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पाए जाते हैं, अगेन देयर इज लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बट यू नो नीड टू लाइक सॉल्व, यू नो नीड टू लर्न ऑल द इंस्ट्रूमेंट। लेट मी टेल यू स्पेसिफिक कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल बैरोमीटर इज मेटर द एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक के लिए बैरोमीटर पाया जाएगा। एंड उसके बाद आ जाता है आपके कैलोरीमीटर, दिस इज क्वांटिटी ऑफ हीट के लिए होता है, नॉट टेम्परेचर, हीट के लिए, क्वांटिटी ऑफ हीट के लिए होता है। देन आफ्टर दैट दिस इज कार्डियोग्राम, ये जो होते हैं हार्ट के लिए पाया जाता है, एज यू नो दैट कार्डियोग्राम जो होते हैं हार्ट के लिए होते हैं इंस्ट्रूमेंट। दैट उसके बाद आ जाते हैं आपके डायनामोमीटर, दिस इज फॉर इलेक्ट्रिकल पावर, डायनामो मोटर फॉर इलेक्ट्रिकल पावर के लिए हो जाते हैं। एंड देयर आर सम डिफरेंट मीटर्स, दिस इज लाइक वन हाइग्रोमीटर, हाइग्रो फॉर द ह्यूमिडिटी इन द एयर, कितने एयर में ह्यूमिडिटी है उसके लिए पाया जाता है। फैदोमीटर इज समथिंग फॉर डेप्थ ऑफ ओशियंस के लिए होता है, फैदोमीटर्स। उसके बाद आता है लैक्टोमीटर, दैट इज लैक्टोमीटर प्योरिटी ऑफ मिल्क, जैसा लैक्टोज आपके नाम से पता चल रहा होगा प्योरिटी ऑफ मिल्क है। फोटोमीटर लाइट के लिए हो जाएगा। फोनोग्राफ,
दिस इज फोनोग्राफ, दिस इज फॉर द प्रोड्यूसिंग साउंड, इंस्ट्रूमेंट फॉर द प्रोड्यूसिंग साउंड, एंड वन इज द पारो, पारोमीटर मतलब पारोलिसिस में हाई टेम्परेचर हो जाता है तो उस पर्टिकुलर केसेस में पारोमीटर का यूज़ करते हैं. यू लाइक थोड़े थोड़े मीटर्स जो हैं आप ध्यान रखे रहिए, बाकी तो जैसे कि हाइड्रोफोन्स ये अलग अलग होते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर्स ब्लड प्रेशर वगैरह के लिए चीज़ें की जाती हैं, तो अलग अलग मीटर्स जो होते हैं वो चलते हैं. सो दीज आर द जनरल बेसिक साइंस गाइज, होप कि आपको समझ में आया होगा और हेल्प मिली होगी इस पर्टिकुलर चीज़ों से. मैंने कुछ बेसिक डिस्कस किया है, आगे आने वाले चैप्टर्स में और भी चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस. अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस कोर्स को रिव्यू दीजिएगा और हमें भी बताइएगा ग्रुप में कि कैसा लगा. हमें भी अच्छा लगा क्योंकि हम आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर पा रहे हैं. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट. Hey guys, my name is Viren Singh. If you want to crack CSIR, you just connect with India's largest learning platform. So yes, we are here. I am the Virendra Singh and I teach CSIR Life Science on an academy platform. आप CSIR Life Science की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे मेरे साथ और भी इंडियाज के टॉप एजुकेटर के साथ, जहां पे आपको मिलता है अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और इंडियाज के बेस्ट एजुकेटर. सो अनअकैडमी के ऐप को इंस्टॉल करिए, लॉगिन करिए और वहां से अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को या तो प्लस या तो आइकॉनिक ले लीजिए, जिससे कि आपको क्या है कि बहुत सारे यूनिट्स, बहुत सारे एजुकेटर्स मिलके आपके सपने को पूरा कराएंगे. तो जी हाँ, चलिए मैं आपको बता देता हूँ मेरे बारे में कि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको इसी के लिए जुड़ा हूँ. सो दिस इज़ मी, आई हैव एक्सपीरियंस लॉट्स ऑफ थिंग्स. सो उनमें से आई टीच CSIR लाइफ साइंस एंड मैं CSIR, DBT, GATE ये सब एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर चुका हूँ. आई एम द लीजेंड एजुकेटर इन दिस कैटेगरी इन द CSIR. माई PhD इज रनिंग फ्रॉम IIT BHU. आई वॉज द गोल्ड मेडलिस्ट इन द BTech एज वेल एज इन द MTech. I was known for the interesting explanation and I was known for the trick master too. So I have guided more than 1000 qualified candidates. So aap mere sath Unacademy pe judh ke CSIR ka sapna pura kar sakte hain. Saath hi mein Unacademy Plus aur Iconic do tarike ke subscription Unacademy leke aaya hai. Plus mein aapko milte hain live classes, weekly test, structured courses, unlimited access. Ye sari cheeze plus mein milti hain. In sab ke alawa Iconic mein कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती है, जैसे स्टडी प्लानर है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस है, टेस्ट एनालिसिस एंड पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल कोच आपको मिलता है. एक बार अगर कंपैरेटिव बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, प्लस में आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और शेड्यूल्स मिलता ही मिलता है. आइकॉनिक में इन सब के अलावा जो है आपको पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, बूस्टर सेशंस एंड पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग भी मिलता है. सो आप अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट. अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चूज करना चाहते हैं तो 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के लिए अवेलेबल है, जबकि प्लस सब्सक्रिप्शन 3, 6, 12 और 24 मंथ के लिए अवेलेबल है. अगर आपको कोई भी फर्दर क्वेरी होती है CSIR के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड तो आप इस नंबर पर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और कोड जो है वो यूज कर सकते हैं Viren और Viren Live टू गेट द डिस्काउंट. सो प्लस क्लासेस जो कि मेरे स्टार्ट होने वाले हैं, जिसके लिए मैं आपको इस वीडियो में जुड़ा हूं, तो माई प्लस क्लासेस जो है स्टार्ट हो रही हैं 4th of July से. जी हाँ, 4th of July से जो है मेरे प्लस क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं. तो जुड़िए इस 4th of July से दिसंबर बैच के लिए, जिसमें यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 अभी स्टार्ट हो रहा है 4th of July से 5:30 और 8:30 PM पे, जो कि आप देख सकते हैं. इनको एक्सेस करने के लिए आपको अगेन जाना पड़ेगा कहाँ पे, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, और सब्सक्राइब करने के बाद मेरी क्लासेस में जुड़ना पड़ेगा. इसके साथ ही मैं कई सारे स्पेशल क्लासेस भी लेता रहता हूँ, आप उसमें भी देख सकते हैं. ये स्पेशल क्लासेस पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, तो अनअकैडमी के ऐप पे मेरे साथ स्पेशल क्लासेस में जुड़ सकते हैं और फ्री एक्सेस कर सकते हैं कई सारे कंटेंट्स को. साथ ही में अनअकैडमी के ऑफर्स जो है वो लेके आए गए हैं, तो कई सारे ऑफर्स अनअकैडमी के चलते रहते हैं. तो दीज आर द अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस जिनके साथ आप जुड़ सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं CSIR को. ठीक है, वॉन्ट टू ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम. अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं जो यहाँ पे मेंशन है, या टेलीग्राम चैनल पे जो है unacademy/Viren Singh के साथ जुड़ सकते हैं. या सिर्फ आप Viren Singh सर्च करेंगे तो भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो इस टेलीग्राम चैनल पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं. लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जुड़िए फॉर द नोट्स, फॉर द थिंग्स और फॉर द क्लासेस. आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं फ्री क्लासेस स्पेशल में, प्लस जो 4 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है. तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट.